सो रही क्या है? हाँ मैं बोलिया कुछ है क्या? क्या बोलिया है? यस हेलो यह कितना टाइम हो गया? 9 बज गया शायद, 9 बज के 10 मिनट। आज पहला कौन उठा? पहला तुसी उठे आज। क्या बनाती थी? क्या बनाती थी ना? मैं मैंने पढ़ाई भी ना नहीं था। दवाई से फर्क पड़ गया मम्मी उससे? हाँ मम्मी लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी दवाइयों के बारे में और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा भी थोड़े दिन है, उसके बाद तो लू आएगी बाहर से बहुत ज्यादा। और आज खाने में हम लोग बनाएंगे काली दाल, जिसको मैंने भिगो के रात को ही रख दिया है। चिल्ला नहीं बनाना मम्मी। क्या बनाना थी? वही दाल। दाल खड़ी बना लो, आपको अच्छी लगती है? हाँ स्वाद लगेगा। आलू वाली आलू बना पाला ने क्या? कितने दाल भी बना लेते, कड़ी बना लेते है ना दोनों साथ। नहीं एक ही बना ला है, दो फिर रात तक सही चलता है ना। ठीक है जी। पूड़ियां वाले विच मां पूड़ी वाला दे लक्की पकौड़ी मुझे लगती है पकौड़ी वाली की। कोई आलू वाली अच्छी लगती है, पकौड़ी वाली भी नहीं। आप ज्यादा आलू वाले उसकी बनाते हो ना? पकौड़े वाले बना लो। और ब्रेड भी है? हाँ रेड़ू होता है, बहुत स्वाद होता है। रेड़ू का काट बनता है क्योंकि पूरा नहीं होता ना, फिर परिवार है ना। हाँ, बरकत नहीं होती। नहीं तो मेरे को तो रेड़ू भी अच्छा लगता है, कड़ी भी अच्छी लगती है। कड़ी से बरकत हो जाती है, पर कड़ी रोटी के साथ नहीं, रोटी के साथ हो जाती है, चावल के साथ। हाँ थोड़ा अच्छा रोटी बनानी है मैंने, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी। जो मक्के वाली ज्वार थी। हाँ ज्वार वाली बना ले। आओ मक्के वाली जो रात को खाई थी। हाँ ज्वार वाली बना ले। ज्वार वाली ना। ये करने हैं 3 कपड़े प्रेस। सारा दिन खाने खाने की काम है, खा लो वो खा लो। रात को तो हद ही हो गई, हम लोग 1 बजे सोए और 1 बजे नहीं, मेरे को फिर 12:15 हम लोग अपने अपने रूम में चले। उसके बाद मुझे नींद ना आए, फिर मैं फोन चलाऊं, फिर जब नींद आई उसके बाद अभी मैं उठी हूँ, मम्मी ने उठाया मुझे आवाज देखी। 8:20 पे शायद हेल्पर ने नहीं उठाया, हेल्पर भी आ गए थे। हाँ आपको तो हेल्पर भी आ गए थे। हाँ पता नहीं मुझे ऐसा लगा 7 बजे किसी ने बेल मारी, मारी थी किसी ने? नहीं मारी थी किसी ने पता नहीं। फिर ना मैंने आवाज आई होनी, फिर ना मैंने फोन चेक किया तो 7 बजा हुआ था। हम लोगों ने ना रात को मूवी देखी थी। हाँ तो फिर इंटरेस्ट बन गया। छोले लगाते हो बस ना लग ज्यादा सोने लगी नहीं। जय राजा हिंदुस्तान है वो, फिर वो सोने लगी है गाने। हाँ बड़े सोने गाने स्वाद से सुनता देखने। आप लोगों ने ना दुनिया भर की मूवीज देख ली इस बार है ना? बहुत पहले आते थे, आपको मूवी लगाती थी, इतनी नहीं लगाती थी ना। खोलो फिर लगाओ, आलस आता है इसमें। नहीं आलस आता बिल्कुल। तभी मम्मी आप 1.5 महीना रह के गए थे मम्मी ने चाय बनाई, इतनी गाढ़ी चाय, मैंने उसमें थोड़ा पानी डाला, मैं सब नहीं पी ली, मैंने थोड़ा पानी डाला, पत्ती डाली, फिर वो चाय ठीक हुई। फिर मैंने भी मुझे गाढ़ी चाय, बहुत ज्यादा गाढ़ी चाय है ना, ऐसा लगता है चाय पीने के बाद कि यहीं पे बैठ गई। अगर पतली चाय तो मैं आराम से पी सकती हूँ, ये भी मेरी बॉडी के साथ बड़ा झमेला हो गया है। और मतलब अगर मैं रात को खाना खा लूँ इनकेस तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, हर बार तबीयत खराब। तो मैं आप लोग को कभी कभी बता देती, कभी कभी नहीं बताती, क्योंकि यार लाइक जब भी कभी बाहर जाती हूँ तो तबीयत मेरी ख़राब होनी होती है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रूटीन पे हो, फिर आप जब आपकी बॉडी मेरी बॉडी रिएक्ट तुरंत करती है, तो ये सब चीज़ें होती है। और आज का मेन्यू चेंज हो गया है,
दाल तो बन रही है लेकिन उसके साथ बन रही है कड़ी। कड़ी के साथ मटर भी मम्मी लोग छील रहे हैं। जब मैं सब्जी लेने जाती हूँ रोज, हम लोग रोज ही चले जाते हैं सब्जी लेने, क्योंकि ताजी की ताजी आती है, फिर मैं वो बनाती हूँ, फिर मैं फिर उतनी लाती हूँ और उतनी बना लेती हूँ। तो फिर क्या होता है, मम्मियाँ मटर छील रही हैं और मटर यार अभी थोड़े दिन के मेहमान है, फिर हरा मटर नहीं आएगा, फली वाला। मुझे मटर बहुत पसंद है तो मैं रोज़ थोड़े से मटर ले आती हूँ खाने के लिए। मुझे दिन में भी ऐसे कभी छील के खाना तो अच्छा लगता है। तो मम्मी को सुबह सुबह उठ के मटर छीलना बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने सुबह उठ के सारे दरवाजे खोल देते हैं, पूरा घर ठंडा हो जाता है हमारा। दिन में गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, बट शाम को मौसम अच्छा हो जाता है और फिर रात को तो 1:30-2 बजे तो बहुत ही ठंडी हवा चलती है। तो बनानी है सब्जी, लेकिन उससे पहले आ गया मेरा पार्सल। मैं आपको बोल रही थी ना मदर इन लॉ का कुर्ता आने वाला है, ये प्लाजो पैंट है और ये कुर्ता है। तो ये पहनेगी मेरी मदर इन लॉ जाते टाइम जब हम जाएंगे यहाँ से घूमने के लिए। अभी ये लोग घर नहीं जा रहे हैं, अभी तो इधर ही रहेंगे। और ये वाला पहनेगी मेरी मम्मी और ये वाली इनकी मम्मी। एक्चुअली मैंने मम्मी को ना ट्राई करवा दिया ये वाला सूट, और ट्राई करके आपको नहीं दिखाया, क्योंकि जब जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। एक्चुअली दिक्कत पता क्या है मेरी मदर इन लॉ की ऑनलाइन शॉपिंग, मेरी मदर इन लॉ ना जैसे प्लाजो, मेरी मदर इन लॉ आई थिंक 5 हाइट होगी उनकी, मेरी 5'2" है। तो प्लाजो मुझे आ जाता है, मैं मदर इन लॉ को थोड़ा प्लाजो लंबा आता है। और कुर्ते का फिटिंग अभी तो एम साइज टचबुड आ रहा है मम्मी अभी, ठीक है। पहले एस भी नहीं आता था, बहुत दिक्कत होती थी हमको जब भी कुछ ऑनलाइन लेती थी। सूट मम्मी पहन लेती है, पर अभी सूट लेके स्टिच कौन कराएगा। तो मेरे को है कि मैंने अभी मम्मी के पास 5-6 कुर्ते हो गए हैं। 2 कुर्ते मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आज मम्मी एक पहनेगी, 2 कुर्ती, मतलब एक पूरा सूट, 3 पूरे सूट हो गए हैं विद दुपट्टा। इसका दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा मैं देखती हूँ, पर मम्मी बिना दुपट्टे के पहन लेंगे क्योंकि आजकल सब पहन ही लेते हैं ना, और फिर जब घर जाएंगे तब दुपट्टा ले लेंगे, इधर तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। तो उनके ना सूट्स में बहुत ऐसे इशू हो जाता है, मेरी मम्मी मेरे से भी लंबे हैं, तो उनको अगर ऑनलाइन मंगाओ उनका प्लाजो ऐसे, हमको लंबे आते हैं प्लाजो, मेरी मम्मी को ऊंचे हो जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। फिर उनको, इनको एकदम प्रॉपर सूट चाहिए, प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर नाप, बट ये अच्छा आ गया क्योंकि मैंने पहले भी इसी ब्रांड का लिया था जब हम मॉल गए थे, अभी भी मैंने इसी ब्रांड का मंगाया, वो अच्छा। एक मैंने मम्मी के लिए लिवास का मंगाया, उसका बिल्कुल ऊपर को ऐसे आया मतलब मदर इन लॉ के लिए, तो फिर मैंने उसको चेंज करा दिया, मम्मी को आ गया था। मैंने करी है गुत, इसके बाद मुझे लगाना है दाल को तड़का और बनाना है दही तड़का। दाल को अलग से तड़का लाना, दही तड़का बनाना है। मम्मी ने सामान रेडी करके दे दिया, अब देना है प्लांट्स को पानी उधर वाली बालकनी में और इधर वाली। और मैंने मंगाया है चॉपर। अच्छा ये लॉक हो जाता है इसे, ये क्या है? फिर चॉपर किचन का किंग है, तो मतलब चॉपर होना चाहिए किचन में। हमारे इतने चॉपर लिए सब खराब हो जाते हैं पता नहीं क्यों। तो अगर आपके पास चॉपर है ऐसा वाला है या कैसा वाला है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वाला चॉपर अच्छा है, बट इसकी ये वाली जो चीज़ है ना वो खराब हो जाती है, ये पता नहीं क्यों, मतलब खराब मतलब निकल जाएगी, फिर इसको इनसे मुझे ठीक करवाना पड़ता है, फिर जाके ठीक होती है, फिर ऐसे हो जाती है। तो मुझे इसलिए ऐसा वाला मंगा लिया, अब 2 हो जाएंगे तो आसानी रहेगी। जस्ट अभी अभी आया है, इसको मैं वॉश करके एक बार चॉप करके इसमें देखती हूँ प्याज। मम्मी दे रहे हैं प्लांट्स को पानी, इतनी हवा चली है कि पूरा बालकनी मिट्टी मिट्टी हो गया, अब इसकी सफाई करेंगे आज। पुदीने की चटनी बना ला कि दिन सारा दौड़ के, पुदीने की चटनी आटा गूँ दिया मम्मी ने ज्वार का। मुझे हाथ से रोटी बनानी है, मतलब मक्के की रोटी की तरह, लेकिन उससे पहले लगाना है तड़का दाल को और दही तड़के को। अच्छा है ये यार, मतलब ऐसे चॉप हो गए इसमें। मम्मी को ना मैं ले आई हूँ रूम में, बाहर दोनों बालकनी में बैठे थे। मम्मी को पता नहीं अभी क्या होने वाला है। मम्मी हम ना प्रैंक करेंगे, ओके भारत की मम्मी के साथ ना प्रैंक करेंगे। आप ना दूसरे रूम में जाओ, आप तुसी ना रोन लग पो, ठीक है? बेडरूम में जाओ आप मेरे वाले में, जब मैं आऊंगी तब आपने रोने लग पड़ना, चुन्नी लगे, ठीक है? बस आपने इतना करना है, क्यों प्रैंक करना है? प्रैंक होता है कि हम, मैंने ना उनको बोला कि मम्मी तुझे कुछ, मम्मी ने बोला है आपने मम्मी को, मम्मी को तो रो रही है, ठीक है? आपको समझ में आया क्या करना है? क्या करना है? चल चल फिर के ले आओ, उनको बुला ले, तुझे हंसन लग पड़ा। अच्छा क्या करना है बोलो, रोना आया उन्हें, मुंह ढक लो अपना, पहले
ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਢਕੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਹਾਂ ਜਾ ਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਅੱਛਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ मैंने सोचा ना एक प्रैंक करते हैं इनके साथ देखते हैं कैसे जाता है मदर मम्मी के साथ करती थी मम्मी मुझे पकड़ लेती मुझे ऐसा लगता है तो हम मदर इन लोगों के साथ करना चाहते हैं मम्मी इधर आके सोच मम्मी ने उसे रोना है ठीक है कैसे रोना है इधर तो कैसे रोना आऊंगा चल देख मैं नहीं आ रहा कि मैं अब कैमरा कहाँ पे रखूं क्या बोलिया मैं कुछ भी नहीं कोई एकदम कोई गलती नहीं हुई आपने मुझे बहुत रुलाया मैं तो नहीं रुलाया था कुछ भी नहीं किया आप बोलते ना कि अगली 9 तारीख को जाएंगे हम घर मैं इतने दिन कहाँ रह पाऊंगी तुम प्रिया ने टिकटा करा मैं दीपक बिना नहीं रह सकती बिना नहीं रह सकती मेरे बच्चे घर में आप ये कहते थे ना कि हमने अगली 9 तारीख को जाना है घर में ऐसा नहीं हो सकता जल्दी प्रिया को जल्दी से टिकटा कराना है नुकसान होना ऐसी कौन देगा प्रिया का नुकसान होना है इन्होंने बोला ना कि अगली 9 तारीख को जाएंगे 9 तारीख को क्यों जाएंगे मेरा तो मन नहीं लग रहा दीपक के बिना ये प्रैंक था कि सच हो गया मम्मी है दीपक और प्रीति बिना मेरा तो मन नहीं लगता चाहे लड़ भी ले चाहे कुछ भी उदे बड़ा में बहुत ही देर नहीं रहा होता तुसी इदा ना ना बोलो भी अगली 9 तारीख नू जाना असी ये प्रैंक हो रहा है सच में समझ नहीं आ रहा मैं तो कोई गाज की कुछ भी नहीं गया पर अपनी गल अपन कहानी ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਆ ਗ੍ਰਾਨੀਆਂ ਲੇਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੁਣ दीपू बिना नहीं रह सकती मैं सारे बिना रह सकती प्रिया भी नाल प्रिया भी है प्रीति भी है पर दीपू बिना बिलकुल नहीं रह सकती ये प्रैंक था और मम्मी सच्ची में रोने लग पड़े सच में क्यों रोने लग पड़े आप रोना आ ही जाता मुझे लगा हम प्रैंक कर रहे हैं कि चलो प्रैंक करते हैं मम्मी के मम्मी को पहले ही प्रैंक किया था ना मैंने आपका वहाँ एक कानपुर में ना मम्मी डर गई मैं कह रही है मैं तो तुम्हें कुछ नहीं किया मैं कह मम्मी आपने मेरी चुगली करी है मम्मी कह रही मैं तो नहीं जी मैं तो कसम चकवा ला कितने मर्जी मैं कुछ नहीं किया है मम्मी हम तो प्रैंक कर रहे हैं मम्मी मजाक कर रहे हैं मम्मी सच में रो रही क्यों रो रही मम्मी आप ऐसे थोड़े रोते हैं मेरी हेल्पर देख रही है मैंने उसको बोला कैमरा पकड़ना मम्मी को पता ना चले और वो देख रही है ये तो प्रैंक हो रहा है रो क्यों रहे हैं कर दी याद आंदी जाना है फिर याद तो आंदी कर दी चाहे कोई कितना भी हो ये तो सारी उम्र कटी तो भी जल्दी करवा दो चेंज करा दो उसको फिर नहीं है जा रही मिलने नहीं आप बोलोगे तो मैं करा दूंगी बोलो आप दोनों जहाँ पे घूमने का प्लान है वो तो अब जाना ही है वो फिर कैंसिल वो तो बहुत लॉस हो जाएगा ना उसके बाद आप बताओ क्या करना है
पर उस टिकट में से ना कुछ वापस नहीं मिलेगा प्लेन की टिकट में से, ये चक्कर है। और हम लोगों ने एक डेढ़ महीना पहले ही वापसी की करवा ली क्योंकि वो हमको सस्ती पड़ी है। अब जो दिल्ली से हमारी यहाँ पे, आप बुरा मत मानना, पटना के लिए दिल्ली से जो टिकट हुई है एमरजेंसी में बहुत महंगी हुई है। पर अगर थोड़ा ज़्यादा थोड़ा दिल उदास है तो फिर देखो दसो की करना है। मैं चेंज करूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अरे हम प्रैंक कर रहे थे मम्मी, फिर तो बाहर से पता लग गया ना मेरा फोन देखे चल चली है अंदर ही रहो ना, अपने कर करी गई है चल अंदर भी चढ़ के यो चल चल पे ते मैं तो जान डर गई प्रिया, मैं क्या प्रिया मुंह भी और तरह लग रहा था। क्या क्या प्रिया ने सच्ची कहने मम्मी तो थी, मम्मी को तो क्या है मम्मी रोया करती, मैं क्या रोया करती हूं यार यार मम्मी डर गया ना। अरे सास ये दा कदे नहीं किसी ने कुछ भी किया, क्या कदे भी नहीं कदू जी ने एक दूजे नु कदी भी नहीं उदा दी गल्ला गाल जा कदी हासी हुसी वाली गल कर ली जा अपने घर दी सोच दुख सुख ना कि दूजे पर उदा नहीं कदी भी असी कीती एक दूजे नु जा बोले आ जा के मेरे ना करना ने मैं इना नाल कर ली उदा कोई गल नहीं है किसी कीती किसे दी ना जान जा जान कन्ने आपका दिल नहीं लग रहा है इधर, अब दिल लग रहा है जिन्नो प्यार में आराम से बैठ में जा रहे हैं पटना में है ना वो, पटना तो फिर आपको पता ही कितना दूर है यहाँ से। रेडुआ बन गया, दाल को तड़का लगाने जा रही हूँ मैं, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, तो जैसे तुम रेडुआ खाना की दाल खानी, रेडुआ की दाल, दाल फिर शाम के लिए रख लेते ना बना के, है ना। तो आप लोग फिर नहा लो पहले, सुबह चाय के साथ ब्रेड मैंने दे दिया दोनों मम्मियों को, इनका दिल खुश हो गया आज ब्रेड खा के, वो वाली मम्मी का। इनको तो घर पे जब भी पता मम्मी हमने क्या करना, मैंने प्रीति ने बोला और दीपक, हम सोचते थे आज ना चावल बनाएंगे और आज हम रात को रोटी, तो मम्मी को स्पेशल रोटी बनानी पड़ती थी, चावल नहीं खाते। होता है ना घर में एक मेंबर जो हमेशा बीच में ऐसा बोल दे मुझे रोटी खानी है, तो गुस्सा चढ़ता था मेरे को। चावल दा ओ क्या हुंदा जद मेरा ऑपरेशन होया था ना, अच्छा जदों बोल देते भी जी लक दर्द भी ते तुसी ओ करना ऑपरेशन हो जांदा है ते यूट्रस मूव हो जी जी, तो उनो दाल और चावल राजमा जिन्ने घट खाओगे उन्ने सही रहोगे। पर ये वाले मम्मी खा लेते चावल राजमा, है ना मम्मी, लक दर्द ब्रेड भी, मतलब से हम कई कई बार ऐसे नहीं करते, लक दर्द नहीं रहती फिर। मम्मी कई बार हम ऐसे नहीं करते थे जब हम वहाँ पे रहते थे कि ऐसे खिचड़ी बना लेते, तो हम तीनों मैं आप पापा और आप तीनों खिचड़ी खा लेते थे ना, ऐसा नहीं होता था कि रोटी, तो मैं सोचू भाई बड़ा अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने तो घर पे हमेशा यही देखा ना मम्मी को फुल्का बनेगा, मम्मी फुल्का चावल खा लेंगी लेकिन मम्मी को दो फुल्का साथ में, हाँ ऐसा हमारे ससुराल में नहीं ऐसा ना, पापा भी खा लेते हैं सब खा लेते हैं चावल उस टाइम भूख लग जाती ऐसा होता है। ब्राउन राइस भी है प्रीति चावल खांदी है, बधेरे खांदी मटर चावल खांदी है वो भी, हम और दूजे बनांदे वाले मटर वाले, मटर वाले। आपका मन है खाने का बनाऊं मैं? नहीं जरूरी भी नहीं है, चलो बनाऊंगी एक दिन मटर वाले फिर के ना तू कल आई फिर चल कर जाना ज्यादा एडी दूर नु आए बे ना फिकल नहीं जा नहीं महंगी टिकट आंदी है सब कुछ हुंदा बार बार थोड़ी चंगा लगता इदा इन्ना ही बहुत है उन्नी जो घूम फिर के देख लिया सब कुछ, ये लाइफ नहीं साड़ी दोबारा आनी ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਘੜੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਛ ਦੁਖਣਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਬਸ ਮੈਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਆਗੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬਾਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ सच सब बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मेरी मम्मी के साथ अगर तुम आपकी बात करोगे ना वो कहीं ना कहीं मम्मी कभी उनके सामने होगी तो मम्मी के मुंह से वो चीज़ निकल जाती है कुदरती,
ये नहीं कि चुगली वाला नेचर है, मम्मी का ऐसे स्पष्ट वाला नेचर है, एकदम सीधा मुंह पे बोल देते हैं जो बात होती है ना। और मेरे मदर इन लॉ थोड़ा सोचते हैं बोलने से पहले, है ना, बहुत चीज़ें। और मम्मी के साथ मैं बात करूँगी तो जैसे मुझे और मम्मी को भी बात करनी है तो मैं कर लेती हूँ, जैसे कुछ घर पे है इनको नहीं बताना है ना, अगर मेरी मम्मी के साथ पता चले कि नहीं मम्मी इनको नहीं बताना है ये चीज़ें, तो मम्मी कभी ना कभी उनके मम्मी के मुँह से निकल जाती है वो चीज़ें, तो मैं अपनी मम्मी को इतनी चीज़ें बताती हूँ। मदर इन लॉ कभी बात करते हैं मम्मी को, मम्मी कभी ना कभी ना बोल देंगे किसी के सामने कि उनको पता नहीं, वो शुरू से ऐसा उनका नेचर है कि कुछ कुछ बातें छुपा भी पता नहीं लेता, मुझे नहीं पता, बट कभी ना कभी वो उनके मुंह से चीज़ निकल जाती है, उनसे ऐसा प्रैंक वगैरह चीज़ हो नहीं पाती, इसलिए मैंने मम्मी भी प्रैंक नहीं करा, बट कल ट्राई करूँगी करने का या आने वाले ब्लॉग में कोशिश करूँगी। आज प्रैंक करने लगी मम्मी सच्ची में रोने लग पड़ी कि मेरे को घर की याद आ रही है और मुझे घर जाना है, तो प्रैंक मेरा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। एनीवेज मेरे को बहुत दिल कर रहा है चाय पीने का, दोनों मम्मी को रोटी देती हूँ। मदर इन लॉ और मम्मी का शायद उन दोनों को थोड़ा सा ऐसा लगता हो क्योंकि यार कोई भी इंसान है उसका जहाँ पे स्थान होता है ना, उसकी जगह होती है, घर होता है, तो चाहे वो कहीं भी रहता है, महलों में कहीं भी रह के आ जाए, बट आपका घर जहाँ पे होता है ना आपका दिल कर रहा है। जैसे मेरे भी 2 महीने हो जाते हैं मेरे को हिमाचल की याद आनी शुरू हो जाती है, आपकी जड़ें यहाँ पे है ना, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, मिट्टी, खेत, पौधे। मदर इन लॉ तो पहले भी रह लेते हैं, उनको शायद उतना नहीं होता, बट मेरी मम्मी कभी रही नहीं इतना समय दीपू प्रीति से अलग, वो लोग भी नहीं रहे हैं इतना अलग, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। बट यार अभी टिकट्स वगैरह ऑलरेडी हो चुकी है, कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो चलो मैं कैंसिल करा के मतलब आगे करा सकती हूँ, बट यार अब अगर कैंसिल होंगी तो अगर ज़्यादा बोलेंगी तो फिर मैं करा दूँगी, नहीं तो हमारा एक प्लान है एक जगह जाने का घूमने का, उसकी भी टिकट वगैरह सब रात को ही हम लोगों ने करवा के रखी है, तो वो तो जाना है। और यार मैं रोज पटना भी तो नहीं लेके जा सकती ना, 2 बार हम लोग गए थे, अब रोज पटना जाना पता है, यहाँ से समय तो है बट बहुत भाड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा, टैक्सी से 3,000 रुपये लग जाता है, मतलब आना जाना दोनों मिला के, और अगर ज़्यादा देर के लिए लोगों तो 4,000 लग जाता है, तो 2 बार तो हम लोग गए थे लेके, और खुद की गाड़ी से बाहर जाना मेरे को इतना वो नहीं लगता और इनके पास इतना समय नहीं होता। उस दिन हमको लेके गए थे बट शाम को स्पेंड करते हैं हम लोग साथ में टाइम, बट आई डोंट नो क्या है, आपके पेरेंट्स अगर ऐसे आते हैं और कभी ऐसे इमोशनल हो जाए तो आप क्या करते हैं मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, बट यार मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इनको एक दिल लगा रहे इनका। अभी दोनों ठीक हो गए, बातें कर रही हैं अभी ठीक है, आज मैंने मूवी नहीं लगाई, थोड़ा समय भी हो गया, मैंने सोचा तो ना आपसे बातें कर रहे तो मूवी थोड़ा लेट लगाऊंगे, ये भी बोल रही थी कि हाँ थोड़ा बाहर बैठते हैं उसके बाद हम लोग मूवी वगैरह देखेंगे। मैं तो ऐसे हो गई मम्मी को देख, दही तड़का हमारा बहुत अच्छा बना है और आज मैंने थोड़ा ज़्यादा दही लिया था रात को तो अच्छे से बना दी। कढ़ी यार इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ना वो नहीं है, आलू नहीं है, नहीं पर हूँ मैं घर की टेंशन नहीं है, दीपो आराम चलो सब ठीक है ना, घर सामभ लिया वा हूँ मैंने किसी चीज़ की वो नहीं है, बस मैनू अपने आप में याद आती रही घर की बी जावा नवी नवी बहू है, मैं उसको रही भी नहीं बहुत चिर, ये टेंशन थोड़े को टेंशन नहीं, मैंने बहुत याद करती मम्मी जी तुम आओ तो मैं थोड़े नवी नवी डिशा बनानिया सीखा, मैंने थोड़ी याद आया करती, फटाफट मम्मी काम कर दें कभी कुछ करती कभी कुछ मन जहा हों कहती, मैं कोई नहीं बच्चा 9 तरीक नो 10 नो मैं आई पहला थी मैं मतलब जिदा दीपू कला था हूँ मैं दीपू की भी टेंशन नहीं दो घूम फिर जिधर मर्जी जो मर्जी कर अपना माड़ा मोटा कमाया करते रोटी पानी, ये बहुत है भाई बहू ने अपना सब कुछ सामभ लिया घर एन साफ सुथरा चमकाया वा ठीक है मैंने बोला आप टेंशन मत लो, जवाब बोलो कि मैं आपको छोड़ दूंगी, लेकिन यहाँ पे ट्रिप बनाया वहाँ पे तब जाना ही है, तो मम्मी उस ट्रिप के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश है। और ना मम्मी दीपू आंचल प्रीति सबको बहुत मिस कर रही है, अपने घर को मिस कर रही है, तो थोड़ा सा हो ही जाता है, इतना टाइम कभी वो भी मम्मी से अलग नहीं रही, मम्मी भी उनसे अलग नहीं रही। मैं बना रही हूँ उनके लिए दाल
और दही तड़का ऑलरेडी मैंने बना के रख दिया, आटा मम्मी ने गूंद दिया था, सब्जी वगैरह मैंने कट करके रख दी थी। साथ ही मेरा आज का व्लॉग था, मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ा सा हर्ट हुआ हो क्योंकि मम्मी एक्चुअल में रोने लग पड़ी। आई नो बहुत सारे लोग मम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था बट हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे।